Okay. If you are fine with it. I'm fine. So they're all set up. So the setup here when I see it. अच्छा अब क्या है आज हम सभी है तो आपसे सवाल कीजिए पर आराम से करते थे क्योंकि कोई जल्दी नहीं है और अगर मैं इनकी तरफ देख भी लूँ या इनकी तरफ देख भी लूँ तो मैं सेंटर आ जाऊँगा आप प्लीज टेंशन मत लेना क्योंकि आदमी जवाब देने की कोशिश करता है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मैं सीधा ही देखूंगा जितना हो सके हाँ मैं जितना हो सकता सीधा ही बोलूँगा पर अगर थोड़ा 19-20 हो गया तो माफ़ कर देना यार वो क्या बात चलती है ना तो रियलाइज नहीं होती बिकॉज हम अकेले हैं तो हम आराम से कर सकते हैं कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं ये दरवाजे से अभी अंदर बाहर किसी को मत कर लेना बस हाँ और हम कुछ भी बोल ले आप फिर भी वही मांगोगे तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं होता ये बाइट देना बिकॉज आई डोंट हैव अ मदर एनीमोर पर मैं एक बाइट आप सबके लिए दे देता हूँ पर उसके बाद फिर इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे बस उतनी रिक्वेस्ट है ठीक है तो आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी अ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द पीपल दैट हैव मदर्स मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जाके ज़ोर से कस के जाके गले लगाएं और उन्हें थैंक यू कहें for all that they do for you and to not take them for granted because aapke jo parents hai aapki bhalai ke liye aapke bare mein chinta karte hain to jo kehte hain use suniye use samjhiye unhe nakariye mat don't take them for granted kahin na kahin they are the reason why you will become what you will become so I humbly request all of you all jo aaj dekh rahe hain jaake meri taraf se apne mummiyon ko gale lagaiye aur bas kuch bolne ki zarurat nahi bas gale laga dena wo khud na khud samajh jayenge and you should all consider yourself very very lucky that you have parents mothers and fathers who care for you and worry about you so thank you ab aage badhte hain congratulations aapki film just upcoming film ko release ji jaise aise kisi bhi film ki ho agar baat karu jaise aise din nazdeek aate hain ji film ke piche bahut sari mehnat hoti hai bahut sare log hote hain ji kisi ki umeed hai usse kya kuch dimag pe chal raha hota hai jaise aise din nazdeek aate hain yaar you know आप ये एक हफ्ता पहले पूछते तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी अब दिमाग सुन हो गया क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और वो फ्राइडे करीब आता जाता है कहीं ना कहीं मैं सुन हो जाता हूँ मैं सोचना मुश्किल हो जाता है समझना मुश्किल हो जाता है आप एक मशीन की तरह बस ऑपरेट कर रहे हो कि आप कैसे उस फ्राइडे तक पहुँचो बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी मेहनत इतनी लगन से हम पिक्चर बनाते हैं और इवेंचुअली फ्राइडे को उसका नतीजा निकल जाता है तो सोचिए कि साल डेढ़ साल आप एग्ज़ाम की तैयारी करो और फिर उसके बाद नतीजा फ्राइडे को तो बहुत पॉजिटिव हूँ हर पिक्चर के पहले हमेशा पॉजिटिव होता हूँ बिकॉज मैं ऑडियंस को बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द फिल्म तो आई फील ऑडियंस हमेशा सही मानती है अगर उनको अच्छी लगी तो सही है नहीं अच्छी लगी तो हम दोबारा कोशिश करते हैं बट इतने जल्दी रिलीज़ के इतने करीब आपने पूछ लिया है कि अभी इस वक्त थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है तो पॉजिटिव हूँ पर थोड़ा सा अभी सुन हो चुका हूँ मतलब सच में पता नहीं अब जो होगा फ्राइडे को अच्छा ही होगा ऐसी दुआ करता हूँ जी बिल्कुल आप पिछले हफ्ते थैंक यू सो मच 5 साल से आप सबके साथ आप सब मुझे 5 साल से सहन कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अच्छे दिन बुरे दिन आपने सब देखे अब मैं मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं पहले एक आध साल में मैं हमारे इक्वेशन की बात करूँ बतौर मीडिया और मैं पहले एक आध साल हमें भी अचाश करने को लगता है समझने को यू नो कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं है क्या सही है क्या गलत है कितना समय निकालना पड़ता है आपकी निजी ज़िंदगी में अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि आप मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करो 100 चीज़ें समझने को समय लगता है क्योंकि आप सब आते हो अपना काम करने हम आते हैं ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें तो कहीं ना कहीं वो एक फैमिली वाला इक्वेशन बन जाता है पर धीरे धीरे मेरे साथ भी वही हुआ आई थिंक पहले एक आध साल कोई मुझे समझ नहीं पाया सब सोचते थे कि मैं बहुत झगड़ा करता हूँ मैं बहुत घमंडी हूँ मैं रूड हूँ मैं बात नहीं करता पर ऐसा नहीं था एक्चुअली मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि कितना कुछ होने वाला है मेरी ज़िंदगी में तो पहले एक आध साल टाइम लगा पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील एक रिस्पेक्ट है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक रिलेशनशिप है मैं यहाँ सालों साल रहना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा काम करूँ तो आप सबके ज़रिए लोगों से बात करने का मौका मिलता है और आप सबके साथ भी समय इतना बिता चुका हूँ कि कम्फर्टेबल हो गए इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया बहुत अच्छा काम मिला है करने को साथ ही साथ आई थिंक ऑडियंस से जो प्यार मिला है 5 साल के अंदर मैं सच कहूँ तो आई हैड नॉट इमेजिनड इट मतलब अगर आप करियर देखें मेरा मैंने ये मेरी 8वीं फिल्म है 5 साल के अंदर कुछ बन जाना कुछ हासिल करना एक अपनी स्टैंडिंग क्रिएट करना आई थिंक हर एक्टर की ख्वाहिश होती है बट चाहे आप 2 स्टेज ले लीजिए कियन का ले लीजिए इशक जादे मेरी पहली पिक्चर गुंडे हो चाहे मैं जब मैंने टीवी किया जब हम स्टेज शोज़ करते हैं
हर सिचुएशन में मुझे प्यार ही प्यार मिला है। जब भी ट्रैवल करता हूँ तो आज भी लोग आके कहते हैं, अरे यार तुमने जो इंटरव्यू दिया बहुत अच्छा लगा, या तुमने वो जो पिक्चर में काम किया बहुत अच्छा लगा, तुमने जो शो होस्ट किया वो अच्छा लगा। और अनजान लोगों से प्यार मिला है, वो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉर एन एक्टर। दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हेन समबडी डजंट नो यू एंड दे मेक दैट एफर्ट टू कम एंड टेल यू समथिंग नाइस। सो दैट लव ऑफ द ऑडियंस इन 5 years दैट आई हैव रिसीव्ड, आई नेवर एंटिसिपेटेड। ऑफकोर्स बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला यार। आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट। आई थिंक अमंगस्ट इवन माई जनरेशन द कोस्टार्स आई हैव हैड, आई वर्क विद सो मेनी फैंटास्टिक एक्टर्स, वेदर इट इज ऋषि कपूर, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, प्रियंका, दीपिका, आलिया, सोनाक्षी, यू नो देयर हैव बीन सो मेनी अमेजिंग को एक्टर्स, करीना, आई हैव हैड अ चांस टू वर्क विद अमित जी, अभी अनिल चाचू के साथ काम करने का मौका मिला है, सो मेनी अमेजिंग टेक्नीशियन। सो हिंदुस्तान में आई थिंक लोग होंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जिनमें हाथ गिन के लोगों को मौका मिलता है, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हो जो मौका मिलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला है, एंड आई कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज आई फील आई ओव इट टू द प्रोफेशन, आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज लाइक आई सेड देर बी सो मेनी पीपल आर वॉचिंग वुड वॉन्ट टू बी इन माई प्लेस। तो बिल्कुल मेरे पे निर्भर है कि मैं कितनी मेहनत करके इसे आगे ले जा सकता हूँ। सो आई एम इमोशनल अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव सर्वाइव 5 years, पर मैं चाहता हूँ कि ये 5-10 में बदले, 10-15 में बदले और वो चलते जाए, बिकॉज आई लव वट आई डू, आई जेन्यूनली लव बींग एन एक्टर, आई लव बींग इन दिस प्रोफेशन। और एक्चुअली सच बात यह, मुझे और कुछ आता नहीं है, तो थोड़ा अटक जाऊंगा। जी जी, आपको लगता है कि जैसे कॉलेज में होता है, आम लाइफ में भी होता है कि, हाँ यार मैं तो कॉलेज गया नहीं तो, आम लाइफ में भी होता है कि लोग क्रश बोलते हैं, जी जी जी, बोलते हैं। जी। उसको एक नाम मिल चुका है कि अगर किसी को दोस्ती के ऊपर का रिश्ता और प्यार से थोड़ा कम हो, उसको एक नाम मिल जाएगा हाफ गर्लफ्रेंड का। नहीं ऐसा, प्यार से कम नहीं, क्या होता है कॉलेज में आप किसी को पसंद करते हो, वो अगर आपको ना पसंद करे या पसंद नहीं करती, आप जानते नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी को जान लेते हो, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन, एक दोस्ती से ज़्यादा बात चल जाती है, कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते हैं या करती है, उसके बावजूद वो रिश्ता अधूरा रह जाता है, बिकॉज कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, या उनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट का इशू है, या सैकड़ों रीजंस होते हैं। इफ़ दैट रिलेशनशिप इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट, जो बीच में आधे अधूरे, जो एक खटास मिठास से भरे रिश्ते होते हैं जिनको आप दर्जा नहीं दे पाते, चेतन ने बस एक नाम आप सबको याद दिलाने की कोशिश की कि ये सब हमारे साथ होता आया है, होते रहता है। यू कैन कंट्रोल समटाइम्स व्हेन यू फील मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप फॉर समबडी, एंड इवन द अदर पर्सन फील्स इट फॉर यू, बट इट माइट बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ट्राइंग टू जस्ट बी विद अ पर्सन एज अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि इसके वजह से लोग जाके मानना शुरू करते हैं, अरे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, बिकॉज ये छिचोरा नहीं है, इट्स नॉट फ्रिवलिस, इट इज़ नॉट मस्ती, इट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ एन इमोशनल बॉन्ड दैट टू पीपल शेयर, where there is an emotional connect from both sides. Maybe one person can only come halfway in the situation, but it's not something that you can just go and ask a girl or a guy ki half girlfriend ban ja, half boyfriend ban ja. It's not like that. And I'm hoping picture dekhe, agar aap trailer dekhe to aap dekhe ki jo Madhav Jha ka kirdar hai wo puri shiddat se mohabbat karta hai, aur uska wahi hai ki theek hai tum aadhe raaste aa sakte ho, koi baat nahi, main pura nibhaunga. और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे प्यार उतना ही कर सकता है, आप अपना प्यार कम कर दो या प्यार करना छोड़ दो, आप फिर भी अपना प्यार जारी रख सकते हो, आप निभा सकते हो। सो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो द वर्ड हाफ गर्लफ्रेंड विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू एवरीबडी, एंड इवन स्पेशली द कॉलेज गोइंग किड्स हु मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी। इनके बाद आपका, हाँ इनके बाद, फिर इनके बाद इतने ही हैं। जी देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं अब 5 साल बीते हैं, तो इन 5 साल में आपने देखा है कि काम कितना ज़्यादा है, कितना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज वर्क, एंड आई गेस समवेयर इट्स नॉट ईजी टू प्रायोरिटाइज वर्क एंड हैव अ रिलेशनशिप दैट इज स्टेडी, इट बिकम्स डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है कि अगर आप काम को इतना इंपॉर्टेंस दो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ अधूरी सी रह जाती है। बट दैट्स अ चॉइस यू टू मेक, सी आई एम ओनली 32, अभी आई एम टर्निंग 32 नाउ, एक्चुअली अभी 32 बोल के ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम उम्र हो गई, जब शुरू किया था तो 25-26 का था। मैं हमेशा कहता हूँ यू नो मैं तैयार हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर तैयार होता तो अब तक कोई ना कोई मेरी जिंदगी में होती, जब सही समय आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा, दीज थिंग्स कैन बी फोर्स्ड, एंड ऑल्सो लाइक आई सेड आई हैव गिवन माई वर्क एवरीथिंग, होपफुली आई विल बी मोर स्टेबल एज टाइम कम्स इन द फ्यूचर। आई डो नॉट गो बाय द पब्लिक आई, बिकॉज देखिए आपको जब पर्सनल आपके रिश्ते होते हैं वो तो आपके पर्सनल रिश्ते ज़रूरी होते हैं, बट आई हैव बीन सो कॉट अप विद वर्क
I have not had the time or the possibility to create that foundation. The way I worked hard to create this work foundation, I've not been able to give that time to my personal life. Because also when I started, I'd lost my mother just at that time. You know, toh main bhaga dodi mein ki main kaam karna chahta hoon, I want to be busy, I want to be busy, I want to be busy. I just kept working. And then ab wo ek nasha hai. अब वो एक जुनून है. अब क्या है, जब काम नहीं होता तो काम ढूंढने का मन करता है, तो खाली बैठने की आदत ही नहीं रही और वो पसंद नहीं आता है. तो उस चक्कर में क्या है, 5 साल बीत गए पर रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर वर्क मोर देन माय पर्सनल. बट लेट्स सी, लाइफ बहुत लंबी है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, छोकरा अभी जवान है तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा. यार बहुत मुश्किल होता है ऐसे बोलना, क्योंकि जब भी आप एक बोलते हो दूसरा ही होता है आपके साथ. इन सिचुएशन में हमेशा उल्टा ही होता है, आप बनाते हो अपने दिमाग में. और ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए, कल को क्या पता मैं किस किस्म की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ या कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो. बस इतना जरूर कहूँगा, एनी गर्ल हु वॉन्ट्स टू डेट मी और एंड्स अप इन अ रिलेशनशिप विद मी, आई होप शी अंडरस्टैंड्स कि मेरा समय मेरा नहीं है, मेरी जिंदगी थोड़ी सी मेरी नहीं है. एक हिस्सा लोगों के पास है, एक हिस्सा मेरे काम के पास है, और कहीं ना कहीं मेरा खुद का समय मेरा नहीं होने वाला. आई विल ऑलवेज be divided and this profession XYZ जो भी मेरी जिंदगी में आएगी कहीं ना कहीं she will also be in the limelight whether she likes it or not. So somebody who comes into my life just has to know that वो एक हिस्सा है जो मैं control नहीं कर सकता. So I hope whoever comes into my life appreciates that okay, this is my profession, it's not something that she can get away from and I can't go away from it. So yeah, but ये बहुत serious हो गया मेरा answer. Normally इतना serious नहीं होता पर आज कुछ serious mood में आ गया. हाँ, उसके बाद आप कर जी 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 कोई ऐसा किरदार है अब तक के बाद 5 साल की जिंदगी का, कोई ऐसा किरदार है जो आप जिसे आप काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं करना चाहते हैं, किस एक एक पर्टिकुलर किरदार जो आपने अभी तक नहीं किया है? यार कितने हैं, मैंने तो आर्टी फिल्में की है, तो मेरा तो मन करता है हर अच्छी पिक्चर करने का. मैं तो चाहता हूँ कि और काम करूँ, मुझे खुद अपनी सीमा पता नहीं है इस वक्त. आई डोंट नो माई लिमिट्स एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर. सो आई एम स्टिल डिस्कवरिंग. बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म यू वुड लाइक टू डू. आजकल ये भी दौर चला है कि बायोपिक्स होती है तो सब पूछते हैं आप बायोपिक करना चाहोगे. एक्चुअली मैं थोड़ा सा परे जाना चाहूँगा उससे. मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा मैं एक्चुअली एक रियल लाइफ सिचुएशन में एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा. जैसे अगर आप मान लीजिए एक पिक्चर आई थी फॉरेस्ट गंप, तो उसमें टॉम हैंक्स फिक्टिशियस किरदार निभा रहे थे, पर वो जो होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में होता है. तो मान लीजिए कि कोई ना कोई सिचुएशन आए जिसमें यू कैन प्ले अ फिक्शनल कैरेक्टर बट द वर्ल्ड इज रियल, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. सो मोर देन जस्ट प्लेइंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, आई थिंक दैट वर्ल्ड टू मी इज वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक जैसे भी आपने भी बताया कि 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5 इयर्स में आपने अपने ऐसा लग रहा है मेरा एनिवर्सरी स्पेशल है ना. ऑफकोर्स हम सब खुश हैं. जी जी, थैंक यू. नहीं मजाक कर रहा हूं. आपने जितने अपने प्रोफेशनल वर्क में जितना टाइम गुजारा है, उतना ही मेरा सिर्फ एक ही मानना है लाइफ में. देखो, यू शुड डू गुड वर्क, इवेंचुअली ऑडियंस आपको काम से सराहेगी, काम से जानेगी, काम से मानेगी. जो निजी जिंदगी में होता है वो थिएटर में टिकट बिकाने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो चर्चा होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे. और आज कुछ बोला जाएगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, पर ज़रूरी है कि काम सराहा जाए, काम पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए. और मैं ये मानता हूँ कि मीडिया बहुत हद तक मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर चुकी है हमेशा. जब 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 मैंने रिस्पेक्ट मांगी है, प्रिवेसी मांगी है, तब तक मुझे मिली है. जैसे आप सब आज जब इंटरव्यू कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू गाइस विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी. सो व्हेन समबडी इज राइटिंग और सेइंग समथिंग, यू कीप मूविंग अहेड, यू डोंट ड्वेल ऑन दीज थिंग्स. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना और आगे बढ़ते जाना. जी जी, अब किसी और से भी तो पूछ रहे. सॉरी, थोड़ा जोर से बोलो. बाहुबली ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पे, जी जी, यू नो ये नया सवाल आया है पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो सवाल पूछ रहे, अंदाज़ा नहीं था कि बाहुबली ये करेगी. और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एज समबडी हु इज फ्रॉम इंडिया कि एक बोल लीजिए मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल फिल्म ने ये बिजनेस किया. आई थिंक वी एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ प्रोफेशन शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज डन दिस बिजनेस. तो पहले मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा बाहुबली को. अच्छी बात यह है कि इससे मुझे लगता है कि एक विश्वास आ गया कि लोग थिएटर में आना चाहते पिक्चर देखने के लिए. आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो इट डजेंट मैटर हु इज इट, दे विल कम एंड सी द फिल्म. कॉन्टेंट इज किंग. तो आश्वासन यही मिलता है कि चलो अच्छा काम करते जाओ, कहीं ना कहीं लोग आते जाएंगे. बिकॉज
ये तो त्योहार बन चुका, बाहुबलिया पिक्चर नहीं रही, इट्स एन इवेंट, इट्स नाउ डिस्कशन होगी बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। बाहुबली के पहले फिल्मों को एक नजरिए से देखा जाता था, अब और मैं ये मानता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड अगर फिल्म अच्छी हुई ना सर तो अपनी जगह खुद बना लेगी, अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद जगह बना लेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी गुड गुड कॉन्टेंट। अगर आप देखें इस छः महीने हो गए मई के महीने में ज़्यादा हिंदी पिक्चरें आई भी नहीं, एक्चुअली कम आई हैं पिछले छः महीने में और स्पेशली लास्ट दो महीने में, तो कहीं ना कहीं जो क्विंटेसेंशियल हिंदी मसाला सिनेमा इन्जॉय करते हैं, जो रोमांस इन्जॉय करते हैं, जो इंटेंस लव स्टोरीज इन्जॉय करते हैं, जो मोहित सूरी का म्यूजिक इन्जॉय करते हैं उनकी पिक्चर इन्जॉय करते हैं, श्रद्धा के फैंस, चेतन के फैंस, जो मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अगर दे ऑल कम टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म इन एक्साइटमेंट देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर लोग नहीं देखने आए तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलर या हमारा म्यूजिक या हमारा कॉन्टेंट वर्क नहीं कर रहा, या अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है तो आजकल आप देख लेते हैं कि हर रोज पिक्चर बेटर 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 करते जाती है। सो आई वुड नॉट लाइक टू पिन पॉइंट कि प्रेशर बाहुबली की वजह से, द प्रेशर शुड बी ऑन योर फिल्म एज इट इज़, कि आप अच्छी पिक्चर दोगे सो ऑटोमेटिकली पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग टू सी द फिल्म। सो आई एम होपिंग एंड आई डू बिलीव इवेंचुअली अगर आपका आपकी पिक्चर अच्छी होती है ऑडियंस मैनेजेस टू सी इट। टुडे हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन अ फिल्म मे बी इज नॉट ऑन द फर्स्ट शो बट सेकेंड शो पे वर्ड ऑफ माउथ होता है, थर्ड शो पे होता है। सो हाफ गर्लफ्रेंड फ्रॉम व्हाट आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ यू ऑल, अभी सिटीज ट्रैवल किए वगैरह वगैरह, जो सोशल मीडिया पे फीडबैक है, जिस तरह म्यूजिक ग्रो हो रहा है, द बुक इज ऑलरेडी बिन अप्रिशिएटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, देर आर नेम्स इन्वॉल्व दैट पीपल कंसिडर क्वालिटी नेम्स, सो आई थिंक ऑल दैट कमिंग टुगेदर आई हैव अ बिलीफ दैट द फिल्म विल बी अप्रिशिएटेड एंड पीपल विल स्टिल गो एंड सी आर फिल्म एंड आई होप दे सी आर फिल्म एंड बाहुबली एट द सेम टाइम। आई थिंक पीपल वॉन्ट टू बी एंटरटेन देर इन आर कंट्री, देर आर वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ बींग एंटरटेन, फिल्म्स इज अ प्राइमरी सोर्स एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हाफ गर्लफ्रेंड आके लोग फुल टिकट दे के सिनेमा घर में आके देखे पिक्चर जी। चलिए थैंक यू। चलो चलो एक मिनट।